बेगूसराय में सरेशाम ग्रेजुएट डॉक्टर की बीते दिनों हत्या के मामले में राज्य भर के डॉक्टरों ने दुख जताया। बुधवार को दर्जनों आयुष चिकित्सक ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। मृत आयुष डॉक्टर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और चिकित्सकों ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए आगे भी मदद करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय सदस्य सह नितेश्वर मेडिकल कॉलेज के निदेशक बसंत सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के सत्र 2011 के हमारे छात्र थे और सत्र विलंब होने से वर्ष 2020 में यह ग्रेजुएट डॉक्टर की उपाधि पा लिए थे, लेकिन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं लिया था। श्री बसंत ने हत्या की कड़ी निंदा की और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं चिकित्सक सह जाप नेता डॉक्टर सुमित कुमार ने डॉक्टर की हत्या को अपूर्णनीय क्षति बताया। उन्होंने बताया कि मृत डॉक्टर सीनियर थे और सामाजिक विचारधारा व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर सुमित कुमार ने बताया कि इनके ऊपर पूर्व भी हमले हुए थे, जबकि ग्रामीणों द्वारा पता चला कि मृतक सभ्य इंसान थे। मौके पर राज्य भर के दर्जन से अधिक आयुष चिकित्सक मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। पेपर के माध्यम से हमने देखा कि कांति जी को सब ग्रामीण चिकित्सक मान रहे थे, जबकि वो आज से 2 साल पहले वो डॉक्टर बन चुके थे। वो अपना सर्टिफिकेट कॉलेज से लेके नहीं गए थे। आज उनका सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो ये उनका सर्टिफिकेट था डॉक्टर का, ये लिया। ये सर्टिफिकेट उनकी माता जी को दिया जा रहा है। प्रिंसिपल साहब अपने कर कमलों से माता जी को दे रहे हैं। लोग हैं ये, यही प्रिंसिपल साहब के कॉलेज कॉलेज के मालिक और चलिए वो नहीं है, हम लोग के पास जाएंगे, ले जाएंगे, हम सब के पास जाएंगे। आपको जब भी जरूरत हो हम नंबर देते हैं, आप बोलिए, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, बैठा के कब तक कौन किया वहाँ गए, एगो दिल्ली रह गए, एगो 2022 का कर लेते तीन छे बीमार लगे बेटा में मर गए। कितना 200 लाठी मारने रहा जबकि खंतिक मार मार के हम नहीं मरले बेटा। और क्या घटना घटी है? और इसकी कांति जी की हत्या होने के बाद पूरे बिहार के आयु चिकित्सकों में एक संवेदना इनके प्रति हुई और पूरे बिहार के लोगों ने इनको तत्काल 2 लाख रुपया से सहयोग किया है। परिवार अपने हिसाब से इसका उपयोग करेगी, जरूरत पड़ेगी स्पीडी ट्रायल करा के इनके हत्यारे को फांसी सजा दिलाने तक के लिए जरूरत जब परिवार समझे हम और सहयोग देने के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव कुमार भारती। रूप से इसका खंडन करते हैं। हमारे ये मुजफ्फरपुर अवस्थित हमारा नितिश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, जहाँ ये कांति सिंह हमारे यहाँ 2011-17 के विद्यार्थी रहे और ये सत्र विलम्ब होने के कारण ये 2020 में ये पूरा पूर्ण रूपेण डॉक्टर हो गए। जो सर्टिफिकेट मेरे पास भी था उनका रखा हुआ, वो आज हम ला के दे दिए हैं। अगर किसी को शंका हो तो वो देख सकते हैं, ये ग्रामीण चिकित्सक नहीं, ये ग्रेजुएट डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका स्वभाव रहा है, मिलनसार रहे हैं, काफी कॉलेज के प्रिय थे और हम लोग भी प्रिय थे। इस घटना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया? काफी दुख है, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द इसके खोजबीन करे, कार्रवाई करे इस पे कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों इस तरह की घटना हुई, क्योंकि वैसा वो लड़का नहीं था, डॉक्टर वैसे नहीं थे वो, जो इस तरह के कार्य में लिप्त हो या आपराधिक छवि नहीं थी, लेकिन उनकी हत्या हुई जो कि काफ़ी निंदनीय है। और मतलब कहाँ आप लोग आए हैं, किस लिए, क्या उद्देश्य है? ये हमारे सीनियर थे, 1 साल के, 11-12 बैच के थे और हम 10-12-13 बैच के लिए आते थे। ये बहुत हम लोगों के लिए ऊपर क्षति हुई है, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल रहा था, कई बार इनको पहले भी खंती से मारपीट हुआ था, दोबारा फिर, जबकि गांव में जहां तक गांव के लोग से ही पता चला है क्या कि बहुत सब इंसान थे, किसी का कुछ अहित करते नहीं थे,
इसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना अगर इस क्षेत्र में घटी है तो ये बहुत दुख की बात है। हम जिला प्रशासन से खास करके मांग करते हैं कि इस घटना का जांच किया जाए और जो आदमी दोषी है उसको सजा दिया जाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले पता चला है क्या कि कल पुलिस जो है छापेमारी में आई थी और एक आदमी को गिरफ्तार करके ले गए। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के लोकल पुलिस को कि जिन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए कम समय में उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण उस गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण उसका विरोध हुआ और विरोध में उनका टॉर्च और टोपी छूट करके चला गया। जो ग्रामीण जो सक्रिय हैं उसका नहीं होना चाहिए ना, जो उचित है आप छानबीन करिए, जो आपको उचित लगता है उस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। अगर प्रशासन के नज़र में लगता है कि डॉक्टर एस कुमार भी इस हत्या में संलिप्त है तो ऑफिशियली है कि डॉक्टर एस कुमार को प्रशासन गिरफ्तार करे और सजा दिलाए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके आप उसको जेल में डाल दीजिए। तो हम बेगूसराय के एसपी से मांग करते हैं कि इस केस को अपने से वो हैंडल करें, देखें और जो अपराधी है, जेनुइन जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम करें। अभी हम लोग और हमारे कॉलेज और बिहार के अन्य आयुष चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक सभी आदमी के तरफ से स्वर्गीय कांति जी के प्रति जो अपनी संवेदना को रखते थे, उन लोगों के सभी लोगों के सहयोग से हम लोग अभी और 2 लाख रुपया परिवार को डीन सर के द्वारा दिया गया है। आगे और जो संभव होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे मदद करने का। यह रकम जो है मतलब जो देने का जो आप लोग का ये दिखाए हैं अपनी संवेदना किस रूप में, मतलब उस पैसे का किस रूप में? ये पैसा खास करके जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक थे पूरे बिहार में सभी जगह से इकट्ठा किया गया है और उसको जमा करके जो कांति जी के प्रति अपनी संवेदना को रखते थे, उनके माता पिता को, हाँ उनके माता पिता को रखते थे। मेरे भाई को लोग बार बार मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रहा था। उसका बेटा 56-47 दिन में लेकर घूमता है, उसका बाप भी बुद्धू सरदार जेल में जो है वो 56-47 मार के गया है और ऊपर से वहाँ से धमकी भी देता है कैसे उसे मार देंगे फलना चिलना सर को, नहीं तो केस उठाओ। और पुलिस प्रशासन तो उसके साथ में एको दिन उसके घर पर नहीं आया, देख लीजिए उसका घर क्या टूटा है, नहीं टूटा है, नहीं हुई है, वो गिरफ्तारी नहीं है, उसका बहाना है गिरफ्तारी करने का। थाना में जाकर वो सब अपने बैठल था कल दिन में, तब उसका बेटा समझ में आया यहाँ पकड़ने के लिए। वो दूसरे को भी मारने की कोशिश कर रहा था कल रात में, पकड़ के ले गया था लेकिन वो लोग छुरा लिया उससे। पुलिस प्रशासन एकदम कुछ नहीं है, यहाँ सब मुर्दा है, बस हम लोग एक थप्पड़ अगर मार दिए हमको बिना काम के 2 बार ले गया, हमरा और हमारा भाई को हाजत में बंद कर दिया था बगैर काम को। अपराधी और पुलिस दोनों का भय है, ना पुलिस कुछ करता है ना अपराधी, अब इसमें बच के कहाँ जाएंगे हम। उसको 56-47 और सुबह शाम मोटरसाइकिल से जाता है वो, कल उस थाना में जाके सब माय बेटा उज्जवर होके भर्ती किया है उसको, पकड़ा नहीं है पुलिस उसको। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे भाई को तो मारिया दिया है, होगा क्या? कब? कब? यही 5-7 दिन पहले 7 तारीख को। क्या नाम है उनका? कांति कुमार। क्या करते थे? डॉक्टरी करते थे BMS। आपके भाई है? जी। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार।